तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं रुकजाना ने परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका रुकजाना ने परीक्षा का बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू डेट क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी आज मैं यहां से आपको देने वाला हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, बीज का परिवर्तन होता है तो देखो कहाँ पर होता है, बीजांड में। उसके बाद में द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो देखो ये आवर्ती बीज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुविकाई का निर्माण होता है तो देखो अंडजनन में होता है। मनुष्य की भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 होती है। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है तो देखो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। उसके बाद में ट्यूबेक टोमी का उद्देश्य क्या है तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और समझ लें कि ट्यूबेक टोमी का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा ट्यूबेक टोमी का उद्देश्य होगा निषेचन को रोकना, ये इसका राइट आंसर होगा। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है तो देखो इसको कहते हैं जैविक इंडेक्स। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 2 को देख ले। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक मंडल ने वंशागति में कुल नियम प्रतापित किए तो देखो 3 आपको लिख लेना है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45। डीएनए में एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते 10। उसके बाद में UAA, UAG एवं UGA कोडोन होते हैं तो देखो यहाँ पर आपको लिख दें समापन कोडोन होते हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में कीटों की संख्या कितनी है, 7। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, छठे में आपको लिख देना पारिस्थितिकी अनुक्रमण, यहाँ पर आपको लिख देना है। सातवें में आपका आ जाएगा ऐसे जीव जो दूसरे जीवों में मृत शरीर पर भक्षण करते हैं तो देखो इनको कहते हैं मृतभक्षी। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख ले जिसमें कि आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी में आपको यहाँ पर पहला दिया गया एड्स, इसकी जोड़ी एसटीजी से मिलान कर लेनी है। प्रतिजैविक की जोड़ी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से मिल जाएगी। इंटरफेरोन की जोड़ी मिल जाएगी विषाणुरोधी से। एंथेक्स की जोड़ी मिल जाएगी जैव युद्ध से। टीबी की जोड़ी मिल जाएगी बीजीसी से। बायोगैस की जोड़ी मिल जाएगी मीथेन से। और दाल कुल के पौधों की जोड़ी मिल जाएगी राइबोजियम की। तो इस प्रकार से आप लोग इसका जोड़ी के मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपको देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है तो देखो लैक्टोबैसिलस का होता है। देश में जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को क्या कहते हैं तो देखो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। कवक व उच्च श्रेणी में पादप की जड़ों में बीज से जीवी संबंध क्या कहलाता है तो देखो इसको कहते हैं माइकोराइजिया। उसके बाद में परितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है, 10%। PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका राइट आंसर होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन, एंडिक्सन एंडोन्यूक्लिएज क्लोन, यहाँ पर आपको लिख लेना है और इसमें साथ में आपका आ जाएगा क्लोन। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन यहाँ तक के आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देख लें आप सब लोग और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 6, 7 और 8। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 11वां, 12वां और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको ये यहाँ पर दिए गए हैं तो आप स्वयं इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे, प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां ये लिखा है, 17वां ये लिखा है, 18वां, 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इसको पूरा का पूरा हल करके आ जाओगे। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप स्वयं इनको कंप्लीट कर ले ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, टोटली मैंने आपको सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस यहाँ से आपको बता दिए हैं और देखिएगा आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपका बायोलॉजी का पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं आया है, बिल्कुल एकदम सरल वाला पेपर आएगा आपका। तो आप स्वयं इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।